हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए एक बार देख लेते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है इलाहाबाद में। इलाहाबाद हाई कोर्ट अलाउज सर्वे ऑफ मथुरा ईदगाह करंट प्ली एज ओल्ड डिस्प्यूट। तो देखते हैं क्या है। पुटिंग द फोकस बैक ऑन द श्री कृष्ण जन्मभूमि साहिल ईदगाह मस्जिद डिस्प्यूट, द इलाहाबाद हाई कोर्ट ऑन ट्यूजडे अलाउड द एप्लीकेशन सीकिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ अ कमीशन टू इंस्पेक्ट द मॉस्क कॉम्प्लेक्स। द हिंदू पिटिशनर बिलीव दैट द मॉस्क बिल्ट ऑन द ऑर्डर्स ऑफ एम्परर औरंगजेब इन 1670 स्टैंड्स अटॉप ऑफ बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड कृष्णा राइट नेक्स्ट टू इट्स कृष्ण जन्मस्थल टेम्पल विज अ विज मिलियंस एवरी ईयर। द लेटेस्ट प्ली क्या है। द लेटेस्ट एप्लीकेशन फाइल अंडर द ऑर्डर 26 रूल 9 सिविल प्रोसीजर कोड CPC इज अ पार्ट ऑफ पिटीशन 353 2023 फाइल बाय 8 पीपल इंक्लूडिंग द नेक्स्ट फ्रेंड ऑफ भगवान श्री कृष्ण विराजमन। अपार्ट फ्रॉम द सर्वे ऑफ मॉस्क विच वॉज अलाउड बाय अ बेंच ऑफ जस्टिस मयंक कुमार जैन ऑन थर्सडे इट प्लीड्स दैट द हाई कोर्ट पासेस एन ऑर्डर डायरेक्टिंग द यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड एंड द शाही ईदगाह मॉस्क कमिटी टू रिमूव द कंस्ट्रक्शन raised by them encroaching upon the land in disputes. The petitioner further asked the courts to direct the two opposing parties to hand over the land to the Sri Krishna Janmabhoomi Trust within the time provided by the court. The plea further seeks an order restraint in the Waqf Board and the mosque committee and people on their behalf from entering 13.37 acre complex. The Hindu side also claimed there are four signs which establish दैट दी स्ट्रक्चर इज अ टेम्पल। ठीक है, यहाँ पे चार तरीके के साइंस से जो बता रहे हैं कि ये टेम्पल है। एट द टॉप ऑफ बिल्डिंग वन कैन ऑब्जर्व कलश एंड द पिनेकल दैट एग्जेम्सिफाई हिंदू आर्किटेक्चरल स्टाइल। पोजिशन जस्ट अबव द मेन गेट देर एग्जिट पिलर विथ अ लोटस शेप्ड टॉप विच इज अ क्लासिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिंदू टेम्पल्स। द इमेज ऑफ शेष नागोन वन ऑफ द हिंदू डिटीज इज एच्ड ऑन द वॉल ऑफ द करंट स्ट्रक्चर। तो देखो, शेषनाग हो गया, कलश हो गया आपके पिलर के ऊपर, और उसके बाद आपके स्ट्रक्चर के ऊपर कलश हो गया, लोटस हो गया आपके पिलर के ऊपर, तीन चीज होगी। एट द बेस ऑफ द पिलर वन कैन सी विजिबल हिंदू रिलीजियस सिम्बल एंड इनग्रेविंग। तो रिलीजियस सिम्बल इनग्रेविंग है। तो ये चार चीज तो बता दे रहे हैं कि हिंदू टेम्पल था। इट सेज दैट कॉम्प्रोमाइज एग्रीमेंट डेटेड अक्टूबर 12, 1968 when the Shri Krishna Janmasthan Seva Sansa, the temple management authority, a registered society under law, and the trust Sahi Masjid Idgah was illegal and void. This they claim is because the Shri Krishna Janmabhoomi Seva Sangh had no right over the property involved. The petitioner claimed it is matter of fact that history that Aurangzeb had issued order for demolition of large number of Hindu religious places and temples, including the temple standing at the birthplace of Lord Shri Krishna at Katra Keshav Dev, Mathura in a year 1669-70 AD. The army of Aurangzeb partly succeeded to demolish Keshav Dev temple and the construction was forcibly razed, showing the might of the power, and said construction was named as Idgah Mosque. Okay, the Muslim side claims the lawyer representing the UP Sunni Central Waqf Board and the Sahi Idgah Mosque Committee contended in the High Court that the Sahi Idgah Mosque does not fall within the ambit of 13.37 acre land of Katra Keshav Dev. Place birth of Lord Krishna does not lie beneath the mosque. The claim of plaintiff is based on guesswork and is not substantiated by any documentary evidence. The lawyer submitted. तो इन्होंने बोला देख दिखा के कुछ बात ये लोग गेस कर रहे हैं, पर यहाँ पे कोई आपके पास पेपर नहीं है तो क्या बर्थ सर्टिफिकेट ला के दे जिन्होंने सबका बर्थ करवाया, कैसे गंवार से लोग हैं। द ज्ञानवापी ऑर्डर। द मथुरा ऑर्डर इज सिमिलर टू वन इन द केस ऑफ वाराणसी ज्ञानवापी मॉस्क ऑल्सो बिल्ट नियर वेनेटरेटेड हिंदू टेम्पल। ऑन मे 16 लास्ट ईयर वीडियोग्राफिक सर्वे ऑफ द काशी विश्वनाथ टेम्पल ज्ञानवापी मॉस्क वॉज कम्प्लीटेड बाई अ कमीशन अपॉइंटेड बाई द लोकल कोर्ट। ड्यूरिंग द सर्वे स्ट्रक्चर ऑफ हिंदू साइड क्लेम was a shivling and the Muslim side claim it was a part of fountain was found on the mosque premise. Subsequently a scientific survey of the Gyanwapi mosque complex was ordered by the Varanasi district court on
July 21st this year. This time the district and session judge AK Vishvesha directed the Archaeological Survey of India to undertake scientific investigation, survey, excavation and property in question, that is settlement plot number 9130 Gyanwapi Mosque. The survey was halted after the mosque committee approached the Allahabad High Court and then Supreme Court seeking to stay. Both the courts cleared the deck for survey, which was resumed on August 4. तो ठीक है, यहाँ भी मेरे को फीलिंग आ गई है कि यहाँ पे देखो मंदिर वापस से मिल जाएगा. तो ये चीज़ इशू था. चार ऐसे चीज़ें मिले हैं हमें जो हम कह रहे हैं कि टेम्पल हवे में नहीं कह रहे भाई. कहाँ पे तुम कलश कहाँ पे मॉस्क में लगा रहे हो, लोटस कहाँ पे मॉस्क में लगा रहे हो, हिंदू रिलीजियस सिंबल कहाँ पे मॉस्क में लगा रहे हो, शेषनाग तुम्हारा क्या है, तुम मतलब क्या ही बात कर रहे हो. ठीक है, और पेपर मांगने की बात मत करो, यहाँ पे उस समय पेपर नहीं चलता है. ठीक है, वो हमारा स्थान है. अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वहाँ पे सर्वे करेगा, बताएगा, और अपनी जुडिशरी पे हमें पूरा विश्वास है. सो थैंक यू गाइस, प्लीज़ वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स.